मौत से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। किसी को उत्तर देना चाहते हो, ऐसा उत्तर कि वो सुन भी ले, समझ भी ले, और ऐसा आघात और प्रत्याघात हो कि समझने वाला बिन बोले ही सब समझ जाए और उसकी आंखें चार हो जाए। मौन धारण कर लो, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। जो शक्ति मौन में है वो शक्ति वाचा में नहीं। और किसी को अगर दंड देना चाहते हो, अच्छा वाला दंड, कि दंड देने के बाद उसको सीख मिले, तो दंड क्या हो? क्षमा। क्षमा कर दो उसको उसके अपराध के लिए। दो घड़ी आपको चोट लगेगी आपके हृदय में अंदर, लेकिन क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, और जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय उसको क्षमा करते हैं, तो वही क्षमा उसको और पीड़ित करती है कि इस इंसान को जिसको मैंने इस हद तक प्रताड़ित किया है कि वो इंसान मिट्टी हो चुका है, धूल हो चुका है, फिर भी उस इंसान ने मुझे क्षमा कर दिया। ये कैसे संभव है? ये कौन सी शक्ति है जो मुझे क्षमा कर रही है? और इस क्षमा से वो इंसान और उकसित होगा और वही चीज उसको गिराएगी। अपनी ही, उसकी अपनी ही गलतियां उसको एक के बाद एक नीचे लेके जाएंगी। गिराने की जरूरत नहीं होगी आपको। ईश्वर स्वयं साक्ष है। जब ईश्वर आपको आपके कई अपराधों को क्षमा करते हैं, तो क्या हम स्वयं क्षमा नहीं कर सकते? क्यों? है ना सही बात? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो ऐसी मानसिकता धारण करते हैं कि नहीं, हमें दंड देना चाहिए, नहीं हमें तो बोलना चाहिए। मैं कहूँगी नहीं, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। मोटिवेशन मैग्नेट साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड ग्रीटिंग्स ऑफ हैप्पी नवरात्रि, ग्रीटिंग्स ऑफ द डिवाइन फेस्टिवल्स, पावन पवित्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ शक्ति आप सभी को ऐसी प्रेरणादायी ऊर्जा और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से सज्ज करें कि सभी नकारात्मक शक्तियों से आप लड़ सकें और सभी नकारात्मकता को नष्ट कर, सभी नकारात्मकता को खत्म कर आप सकारात्मकता की ऊर्जा को अपने अंदर पुनः स्थापित करें। इस प्रार्थना और इस सोच के साथ मोटिवेशन मैग्नेट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।